हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों जब भी आप लोग यहाँ पे किसी को कॉल करते हैं या तो फिर अगर आपके फ़ोन में किसी का कॉल आता है तब आपका जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे फ़ोन्स में आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे अपने फ़ोन को एक बार रिबूट करिए। हो सकता है रिबूट करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाए, तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने फ़ोन पर ये जो सेटिंग का एप्लीकेशन है उसको यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे ऐप इंफॉर्मेशन का ऑप्शन आएगा, आप लोग यहाँ पे ऐप इंफॉर्मेशन पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टोरेज पे जाना है और यहाँ पे क्लियर डेटा कर देना है। तो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से क्लियर डेटा करेंगे तो दोस्तों ऐसा करने से आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व हो सकती है। तो इसको आप लोग ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और कभी कभी गाइस यहाँ पे अगर आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है या तो फिर अगर आप लोगों ने बहुत दिनों से अपने फ़ोन को अपडेट नहीं किया है तब ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाती है। तो आप लोग यहाँ पे अगर आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट अगर आ रहा है अगर आपके फ़ोन में, तो आप लोगों को यहाँ पर अपने फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिए तो फिर उसके बाद यहाँ पर आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।